गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेंस, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन एंड वेल। यस्टरडे वी स्टडीड अबाउट फ्रॉम योर इंग्लिश ग्रामर बुक क्लास सेकेंड प्रीपोजिशंस। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस एक्सरसाइज ए। कल हम आपके जो लेसन 13 का प्रीपोजिशन का डेफिनेशन और उसके जो एग्जांपल्स वगैरह हैं उसके बारे में हम डिस्कस किए थे, और आज आपके जो एक्सरसाइज ए है उसको हम डिस्कस करेंगे। ओके, लेट्स बिगिन। फर्स्ट में है एक्सरसाइज ए, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चूजिंग द करेक्ट प्रीपोजिशन। हमें क्या करना है, ये जो सेंटेंस दिया गया है इस सेंटेंस को हमें पूरा करना है और कुछ जो प्रीपोजिशन है करेक्ट प्रीपोजिशन को यहाँ पे हमें लगाना है। पहले क्या है, अशोक सैट डेस चेयर। तो अशोक कहाँ पे बैठा है, चेयर में, यानी कि चेयर के ऊपर। तो ऊपर का प्रीपोजिशन वर्ड क्या होगा, ऑन। क्या होगा, ऑन। अशोक सैट ऑन अ चेयर, यानी कि अशोक चेयर के ऊपर बैठा है। सी ऑलवेज प्लेस डेज हर डॉल्स, वो हर समय अपने डॉल के साथ क्या करती है, वो खेलती है, यानी कि डॉल के साथ, यानी कि क्या होगा इसमें, विथ, डॉल के साथ क्या होगा, विथ। सी ऑलवेज प्लेस विथ हर डॉल्स, वो हमेशा अपने डॉल के साथ ही खेलती हैं। वी शॉट डेस ए बिग ट्री, हम बैठे हैं डेस ए बिग ट्री। बिग ट्री तो हम सैट, यानी कि हम बैठे हैं कहाँ पर, बिग ट्री तो है लेकिन कहाँ पे बैठे हैं, बिलो ए बिग ट्री। क्या होगा यहाँ पे, बिलो, बी ई एल ओ डब्ल्यू। बिलो का मतलब होता है नीचे या निचले स्तर पर, यानी कि ट्री के नीचे, ट्री तो है और ट्री के पूरा नीचे हम क्या कहे हैं, बैठे हैं। मे कम्स डेज अप्रैल, मे कम्स, मे आता है अप्रैल, यानी कि मे के बाद, मे के बाद तो अगस्त है, मे के बाद सॉरी जून है, लेकिन अप्रैल से पहले क्या होता है, मे है। तो पहले है तो पहले का कौन सा प्रीपोजिशन लगेगी इसमें, आफ्टर। क्या लगेगी, आफ्टर, इसमें लगेगी आफ्टर। ओके, यहाँ पे है आफ्टर। मे कम्स आफ्टर अप्रैल। ओके, देन फाइव, द रिवर फ्लोस टेस द ब्रिज। द रिवर फ्लोस, रिवर्स फ्लो हो रहे हैं द ब्रिज, ब्रिज में, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, द रिवर्स फ्लोस अंडर द ब्रिज, यानी कि ब्रिज के नीचे रिवर्स फ्लो हो रही है। नीचे को क्या बोलेंगे हम, अंडर, यू एन डी ई आर, अंडर, द रिवर्स फ्लोस अंडर द ब्रिज। सिक्स, वी कैन नॉट डेस एयर, वी कैन नॉट डेस एयर, हम जी नहीं सकते हैं ना, वी कैन नॉट डेस एयर, इसमें क्या होगा, वी कैन नॉट डेस नर है, विद आउट, यानी कि एयर के बिना हम जी नहीं सकते, विद आउट, डब्ल्यू आई टी एच, विदाउट, विदाउट, आउट, हम एयर के बिना जी नहीं सकते। वी वॉक्ड डेज द बैंक ऑफ द रिवर, हम चल रहे हैं जो रिवर, रिवर बैंक ऑफ रिवर में, तो क्या होगा इसमें, अलोंग, अलोंग, एल ओ एन जी, यानी कि कहा जाए कि उसकी ओर, बैंक की, यानी कि द बैंक ऑफ रिवर के ओर हम क्या कर रहे हैं, चल रहे हैं, या ऐसे भी कह सकते हैं इस पार से उस पार तक हम क्या कर रहे हैं, चल रहे हैं, या किनारे किनारे भी हम क्या कर रहे हैं, चल रहे हैं। गो एंड स्टैंड डेस द डोर, आप जाओ और खड़े हो जाओ, कहाँ पे,
डोर, लेकिन यहाँ पे प्रीपोजिशन क्या होगा? नियर, क्या होगा? नियर. गो एंड स्टैंड नियर द डोर, आप जाओ और खड़े हो जाओ किसके पास? डोर के पास. द पोस्टमैन नॉक्ड डेज द डोर, द पोस्टमैन नॉक्स डेज द डोर. पोस्टमैन नॉक्स कर रहा है डोर को, तो इसमें क्या होगा? प्रीपोजिशन एट, क्या होगा? एट. द पोस्टमैन नॉक्स एट द डोर, यानी कि हम डोर में क्या करते हैं? नॉक करते हैं, तो उसके लिए क्या प्रीपोजिशन होगी? एट. देर इज ए वॉल डैश द स्कूल, देर इज ए वॉल डैश द स्कूल. वॉल है, दीवार है, स्कूल है, लेकिन कहाँ पे है? तो यहाँ पे होगा अराउंड, ए आर ओ यू एंड डी. देर इज ए वॉल अराउंड द स्कूल, यानी कि यहाँ पे वॉल है, स्कूल के चारों तरफ क्या है? गोलाकार में क्या है? दीवार है. स्कूल के चारों तरफ क्या है? दीवार है. तो यहाँ पे हम देखें आज एक्सरसाइज ए में, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चूजिंग द करेक्ट प्रीपोजिशन. हमें ये प्रीपोजिशन लगा के इसको कंप्लीट करना था. और आपकी जो बुक की पेज नंबर 59 और फिर 60 पेज में 1 to एक्सरसाइज ए की 1 to 10 तक है फिल इन द ब्लैंक्स, ये सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए. और आप बुक्स में भी इस वर्क को करना है, और उसके साथ साथ आप लोगों को क्या है, नोटबुक में भी करना है. लेकिन पहले इसको क्या करोगे आप, जो मैं कल बताई थी यस्टरडे कि आपको प्रीपोजिशन लर्न करना है और घर पे भी उसको यूज़ करना ज़रूरी है. जैसे कि छोटे छोटे प्रीपोजिशन होती है कि इन है, ऑन है, फिर इनसाइड, बिसाइड है, और फिर उसके बाद हम अबोव है, अंडर है, और उसके बाद इन फ्रंट ऑफ है, नियर है, बिटवीन है, और विथ है, फ्रॉम, फिर उसके बाद एट है, बिफोर है, आफ्टर है, ऐसे सारे प्रीपोजिशन हैं. और उस प्रीपोजिशन को आपको क्या करना चाहिए, लर्न करोगे तो फिर आपके क्या होगा, धीरे धीरे इंग्लिश की भी इम्प्रूवमेंट हो जाएगी. ये प्रीपोजिशन क्या है? एक संबंध सूचक अव्यय, यानी कि संबंध को बताता है किसी भी, है ना, उसका पोजिशन को हमें बताता है. कोई भी ऑब्जेक्ट्स होती है तो उस पोजिशन को वो बताता है. जैसे कि हम देखे थे कल 8 तक हम देखे थे, आज मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता देती हूँ 9 to 16. तो ये तो आपका एक्सरसाइज हो गया, उससे पहले मैं थोड़ा सा बता देती हूँ आप लोगों को. 8 तक हम देखें तो पहले देखें, रीतास बैलून इज अबव हर हेड, रीता का बैलून उसके हेड के ऊपर था. नाउ हर बैलून इज अंडर द टेबल, अभी उसका जो बैलून है टेबल के नीचे है. नाउ हर बैलून इज ऑन द चेयर, अभी उसका बैलून कहाँ पे है? रीता के बैलून चेयर के ऊपर है. नाउ हर बैलून इज बिहाइंड हर बैग, अभी उसका बैलून कहाँ पे है? रीता के बैक साइड में है, यानी कि पीछे. नाउ हर बैलून इज इन द बॉक्स, और उसका बैलून अभी कहाँ पे है? बॉक्स के अंदर है. नाउ हर बैलून इज इन फ्रंट ऑफ हेयर, अभी उसका बैलून कहाँ पे है? सामने, है ना, इन फ्रंट ऑफ. नाउ हर बैलून इज नियर द बास्केट, अभी उसका बैलून कहाँ पे है? बास्केट के पास, नियर मीन्स उसके पास, ज़्यादा दूर नहीं, पास. नाउ हर बैलून इज बिटवीन द बॉक्स एंड द चेयर, अभी उसका बैलून कहाँ पे है? एक चेयर और एक जो बॉक्स है उनके बीच में, बिटवीन मीन्स उसके बीच में ही है. ही सैट बिसाइड हर, तो अभी हम 9 वाला जो एग्जाम्पल है, ही सैट बिसाइड हर, यानी कि वो बैठा है या बैठी है कहाँ पे है? ही मीन्स लड़का, वो कहाँ पे बैठा है? बिसाइड हर यानी कि उसके पास, यानी कि एक लड़की के पास वो क्या है, बगल में ही वो बैठा है. सी केम विथ मी, वो मेरे साथ है. सी केम, वो मेरे साथ आ रही है. सी लिव्स नियर मी, वो मेरे साथ यानी कि मेरे निकट, मेरे पास में ही वो रहती है.
शी लिव्स नियर मी, यानी कि यहाँ पे नियर है जो वो क्या है प्रपोजिशन है। दिस लेटर इज फ्रॉम हर, दिस लेटर इज फ्रॉम हर, यानी कि ये लेटर किसकी है उसकी है। टॉम इज गोइंग फ्रॉम हिज हाउस टू द पार्क, टॉम इज गोइंग, टॉम जा रहा है कहाँ से, घर से, घर से वो कहाँ जा रहा है, पार्क को वो जा रहा है। हिज बर्थडे पार्टी इज ऑन फ्राइडे एट 4 PM, उसका जो बर्थडे पार्टी है कौन से दिन में है, फ्राइडे को है ऑन, और फिर कितने टाइम में, एट 4 PM, सर एट 4 PM में। वी ऑल लुक्ड एट हर, हम सारे उसकी ओर देख रहे हैं, यानी कि एट उसकी ओर हम देख रहे हैं। शी स्टूड बिफोर मी, वो क्या है मेरे पहले वो या मेरे सामने बैठा बैठी। द डॉग रन आफ्टर हर, यानी कि जो डॉग है वो दौड़ रहा है ना उसके बाद, यानी कि उसके बाद, आफ्टर मीन्स बाद में, या किसी के पीछे, यानी कि एक गर्ल के पीछे वो डॉग दौड़ रहा है। देर इज ए वॉल राउंड इट, यहाँ पे एक दीवार है, कैसे वाला, गोलाकार दीवार है, मीन्स राउंड का मतलब होता है गोलाकार। तो बच्चों आपको प्रीपोजिशन समझ में आ गई होगी, आप इसको और भी लर्न करना है ताकि आपको और भी ज़्यादा, और इसमें क्या है प्रैक्टिस भी आपको करना है ताकि आपके घर पे भी और भी क्या है विषय को आप सीख सकते। ओके, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।